मस्जिद है, नई मॉस्क खुली हमारे एरिया में, कि मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ वो मॉस्क। स्टे ट्यून, बाय। नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ मेरा ब्लॉग। मैं घर के कपड़ों में जा रही हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक हैं एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं ये स्कार्फ पहनी क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं मस्जिद बहुत टाइम के बाद। ये आप लोग को, सब लोग को तो मालूम ही होगा कि कोविड हुए जब से तो कहीं भी जाना आना नहीं हो रहा था, बट हमारे घर के पास एक मस्जिद खुली जो कि नई है और काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे जाएंगे, मगर अब आज वीकेंड है, हाजी भी घर पे है तो सोचे कि आज वहाँ पे चले जाएंगे। मैं वैसे खाना वगैरह घर में सब बना ली, इफ्तारी भी बना ली, अब हम लोग भी थोड़ा इफ्तारी भी वहाँ पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे जाके रोज़ा खोलेंगे। और एकदम लास्ट मोमेंट पे हमारा प्लान बना, हमारे प्लान ऐसे ही होते, लास्ट मोमेंट पे ही बनते हैं, इतना लास्ट मोमेंट पे बना कि हम लोग इफ्तारी जो बना है वो भी ले लेके जा रहे हैं साथ में, और बच्चे भी रेडी हैं, वो लोग शूज़ पहन रहे हैं, हाजी भी रेडी है। रोज़ा खुलने में भी आधा घंटा है मगर जाने का रास्ता ही 15 मिनट का है, तो चलिए। देखो अपन दोनों कितना सेम पहने। यस, रेड डे। नहीं पता नहीं, मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, क्योंकि दो तीन साल से कहीं नहीं निकले, और अभी भी ये रमज़ान में भी हम लोग खास कहीं निकले नहीं, अभी यही फर्स्ट टाइम ही निकल रहे हैं, क्योंकि वीकेंड ऑब्वियसली स्टार्ट भी वीकेंड से हुआ और रोज़ा मतलब कि रमज़ान भी एंड होगा वीकेंड पे ही। यस, ये भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, जब से कोविड हुआ जब से मस्जिद में वैसे भी बच्चों को अलाउड नहीं था, तो अभी ये लोग भी फर्स्ट टाइम तो नहीं जा रहे, बट फिर भी बहुत कम जाते ये लोग, क्योंकि हाजी को टाइम नहीं मिलता मॉस्क लेके जाने का, मस्जिद लेके जाने का टाइम नहीं मिलता, तो अभी हम लोगों को मौका मिला, बच्चों का भी थोड़ा वो हो जाएगा कि अब यहाँ से ये लोग के भी छुट्टियाँ चालू है, ये लोग भी हम लोगों को दम करने वाले हैं, हम लोगों को नहीं, सिर्फ मेरे को, मैं ही घर पर रहती हूँ तो ये लोग थोड़ा मेरे को भी वो करने वाले, थोड़ा इन लोगों को भी मालूम होता है कि अपना अपना रिलीजन क्या है, अपना इस्लाम क्या है, तो ये लोग को भी मालूम होता है, इसलिए लोगों को भी लेके जा रहे हैं साथ। मगर जब छोटे थे, जब लेके जाते थे ना, तो कान ऐसे हाथ रख लेते थे कि इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही, इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही ना, तो देखिए अब क्या ये लोग रिएक्ट कर। अच्छा वेदर है ना आज का, इतना अच्छा वेदर है, सर्दियाँ यहाँ पे स्टार्ट होने ही वाले हैं। ये हम लोगों की इफ्तारी है जो लेके जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे। ये हम लोग पहुँच गए मस्जिद, कल लेके जा रहे हैं सर। हर्षो हर्षो, लेडीज का उधर है शायद ना, हाँ ठीक है ठीक है, उधर से अपन उधर से चले जाएंगे। लेडीज़ का सपरेट ऊपर एरिया है अलग से, देखिए पूरा मस्जिद, मस्जिद का पूरा। मस्जिद का लेफ्ट साइड, ये मस्जिद के अंदर से पूरा फ्रंट लुक। ये मस्जिद का मेन एंट्रेंस है इधर से। यहाँ पर देखिए पूरा रोज़ा खोलने का इंतज़ाम किया था हर मस्जिद में, ये पूरा खाने का भी इंतज़ाम है इधर, नमाज के बाद पूरा खाने का इंतज़ाम करेंगे, लेडीज़ का भी इंतज़ाम है इधर, आप लोग भी आए इधर। ये फिर वापस पूरा ऊपर जाने के लिए, नमाज के लिए पूरे लोग ऊपर जा रहे हैं, पूरा ऊपर का प्रे एरिया।
पर भी और आपके पास खाने का भी इंतजाम है माशाल्लाह से सिस्टर्स के लिए उधर है। ये है मेलबर्न ग्रैंड मॉस्क, आप लोग भी आए अपने रोज़े यहाँ खोलें, यहाँ पर भी पूरा है, यहाँ पे सर्विंग हो रही है। बाहर का मंजर मेलबर्न ग्रैंड मॉस्क का, माशाल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद है। बस जाती हुई, चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। पूरी पार्किंग देखिए, हसनैन हेलो मम्मी, आलीशान किचन। अस्सलाम वालेकुम, और भाई खैरियत? वादी हलीम माशाल्लाह, तो फंड रेजिंग था ये, इसलिए हम लोग खाने के लिए अंदर चले गए। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करके नहीं आई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से खाना बना के निकली और इफ्तार भी मैं साथ ले लेके निकली, बट इतना एम्बैरेसमेंट हो रहा था साथ लेके जाके वहाँ पे खाना, क्योंकि नमाज के लिए ऊपर था इंतज़ाम और इफ्तार खोलने के लिए नीचे था इंतज़ाम। और इतनी जल्दी इशा का टाइम भी हो गया, हाजी गए नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं घर जाके नमाज़ पढ़ लूँगी क्योंकि हिम्मू इतना रो रहे। अब मैं हिम्मू को और ज़्यादा नहीं डराना चाह रही, धीरे धीरे करके आदत डालूँगी और इसको अब मैं ना बराबर पाबंदी से लोगों को मस्जिद भेजना है, क्योंकि अब तो कोविड का कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं बराबर पाबंदी से भेजूँगी। काफ़ी खूबसूरत मॉस्क है, काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब कि अभी ग्रैंड मॉस्क अभी अभी खुला यहाँ पे ये मॉस्क, और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम भी है, और मस्जिद को बनाने के लिए ये लोग और कुछ ज़्यादा ना फंड रेजिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह। ये रात में देखिए कितना अच्छा दिख रहा, जी बेटा क्या बोले क्या हलीम, इतना ले लेंगे घर जाके खा लेंगे, खाना इधर इधर जगह नहीं है ना। अच्छा ठंडी हो गई,
ठंडी का सा खाई जाएंगे, ठंडी का सा खाऊं। इतना रोया है, इतना रोया। कैसा रो रहे थे आप नमाज में? मैं देखो नहीं बस क्यों नोई अब फाउंड नहीं सुनते दोनों में से माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं गलती हुई ना अपन, अच्छा नेक्स्ट टाइम से लूँगा ना हर। अच्छा इंतज़ाम तो काफ़ी अच्छा था लेडीज़ का मानो। अजाम हो रही, कीप क्वाइट, डोंट टॉक। जा रहे हैं अब गाड़ी की तरफ। हाँ जी नमाज पढ़ के आ जाएंगे। ये रहे बस 5 मिनट है ईशा को और हम लोग निकल के जा रहे हैं बाहर। बस मैं हिमू को और ज़्यादा नहीं डराना चाह रही। आ जाओ चलो चलो बैठो, अभी डैडी आएंगे ना, डैडी आए बाद फिर जाएंगे अपन। सिट ओके। यहाँ पे थोड़ी खुली है मगर ड्राइव वे है। तो चलिए हम लोग घर वापस आ गए और काफी अच्छा दिखा, काफी मजा आया क्योंकि यहाँ पे ये कंट्री में क्या है ना कि मुश्किल से रमज़ान दिखता, मुश्किल से ईद दिखती। अगर लोग भी हैं तो लोग अपनी लाइफ्स में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो लोगों एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड, मस्जिद आने भी नहीं है टाइम स्पेंड करने। तो काफ़ी मज़ा आया। भाई के घर में कुछ मेहमान आ रहे थे इसलिए उनको साथ नहीं लेके गए, वरना इंशाल्लाह लेके जाएंगे साथ। और आप लोग भी जो अतराफ में हैं, मेरे को मालूम जो लोग मेरा ये व्लॉग वॉच करते हैं वो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करते और मोस्टली मेलबर्न से है, तो प्लीज़ अगर वो ये एरिया में इतनी दूर दूर से आए लोग, सच में काफ़ी 1.5-2 घंटे का रास्ता है जो वो लोग ट्रैवल करके आए, और हमारे घर से सिर्फ 15 मिनट का है और हम लोग कभी गए नहीं। एक हफ्ते का, अभी तो खुली हुआ वैसे भी रमजान से पहले। रमजान से तो पहले पहला ही वीकेंड था हम लोग गए तो। जी और हम लोग तो कितने टाइम के बाद, ये कोविड होने के बाद से तो कभी गए ही नहीं, तो फर्स्ट टाइम ही था इसलिए हम वो इतना डर रहे थे। तरावी नहीं पढ़े, मैं सिर्फ ईशा पढ़ा जब तक, इनकी वजह से नमाज, इनकी वजह से नमाज नहीं हुई। हम लोग सिर्फ ईशा पढ़े, तरावी नहीं पढ़ के आए क्योंकि छोटा बेबी 6 महीने का रो रहा था हमारा। नहीं और मैं ना ज्यादा डराना नहीं चाह रही थी, मैं फोर्स नहीं करना चाह रही थी। अगर ठीक नहीं है, हाँ और मैं अगर फोर्स करती ना तो और ज्यादा डर जाते थे। अब धीरे धीरे करके आदत होना चाहिए बच्चों को, वो आवाज सुन के ना एकदम से, ऐसा नहीं कि मैं घर में नहीं लगाती हूँ, मैं घर में भी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। मस्जिद में वो जो माहौल था ना उससे थोड़ा डर गए थे क्योंकि इतने सारे लोग, इन लोगों को ज्यादा लोग देखने की आदत नहीं है और पसंद भी नहीं है, तो ज्यादा लोग देख के भी डर गए थे। तो इंशाल्लाह, और फंड रेजिंग भी था, मेरे को नहीं मालूम था खाने का इंतजाम था वहाँ पे एकदम से। खाने का इंतजाम था, फंड रेजिंग थी, आप भी जाइए नमाज पढ़िए, फंड दीजिए जी, मस्जिद को ग्रो होने में हेल्प करिए जी। तो इंशाल्लाह तो चलिए मैं अपना व्लॉग इसी के साथ एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा, या आई होप कि आप लोग को ये टूर अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो जाइए नमाज पढ़िए और थोड़ा अपनी कम्युनिटी को ग्रो होने में हेल्प करिए। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ लेडीज़ को बोल रही हूँ या सिर्फ जेंट्स को बोल रही हूँ, सबको बोल रही हूँ। अच्छा लेडीज़ का भी काफ़ी अच्छा इंतजाम सेक्शन है पूरा,
बिल्कुल, और ना पूरा काफी नीट सेपरेट एंड वे क्लीन है, है। बिल्कुल हाइजीन का काफी अच्छा इंतजाम है। या तो चलिए मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा कि गुजारिश दुआओं में याद रखिए हमको, हमारी पूरी फैमिली को। और चलिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और मिलती है अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत जल्द आने वाला है नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज कीप, प्लीज स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।